दोस्तों, आपने ये गाना तो कई बार सुना होगा, जंगल जंगल बात चली है। ये वही गाना है जो जंगल बुक वाले मोगली पर फिल्माया गया था, जो कहता था चड्डी पहन के फूल खिला है। बता दें, मोगली कोई काल्पनिक कैरेक्टर नहीं था, बल्कि दीना सनिचार नाम का एक बच्चा था जिसे भेड़ियों के झुंड ने पाला था। वो उन्हीं की तरह चलता था, बोलता था और कच्चा मांस खाता था। मोगली का जिक्र यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंसानों से सामाजिक रिश्ता रखने वाले भेड़िये बहराइच में इतने खूंखार हो गए हैं कि उन्होंने अब तक 10 लोगों को अपना निवाला बना लिया है। वो अब तक 9 बच्चों और एक महिला को मौत के घाट उतार चुके हैं। बहराइच के आसपास के लगभग 50 गाँव में आदमखोर भेड़ियों की दहशत है। भेड़ियों के अचानक बदले व्यवहार से गाँव के लोग अचंभित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो बदला ले रहे हैं, तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि बिजली का करंट लगने से भेड़िया पागल हो गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक भेड़ियों का व्यवहार पहले ऐसा नहीं था। खेतों में काम करते समय कई बार ऐसा होता था कि भेड़िये और सियार बगल से निकल जाते थे। हालांकि बकरी, मुर्गी या फिर कुत्ते का बच्चा भले ही इनके शिकार हों, लेकिन वो इंसानों पर कभी हमला नहीं बोलते थे। बस 40 साल पहले एक बच्चे पर हमले की बात सामने आई थी। बहराइच में चर्चा ये भी है कि एक मां ने भेड़िये के 2 बच्चे थे जो ट्रैक्टर से कुचल कर मर गए। इसके बाद भेड़िये बदला लेने के लिए आक्रामक हो गए क्योंकि भेड़िये अपने परिवार को लेकर बहुत ही भावनात्मक होते हैं। हालांकि वन विभाग इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि अपने झुंड के बुजुर्गों और बच्चों को लेकर भेड़िये बहुत संवेदनशील होते हैं। वहीं ये कहानी भी बहराइच की हवाओं में घूम रही है कि बिजली का करंट लगने से कई भेड़िये पागल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बिजली का करंट लगने से ही एक भेड़िया लंगड़ा हो गया था। करंट लगने से वो पागल भी हो गया है। शिकार करने की फुर्ती कम होने के चलते उसने बच्चों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके मुंह में इंसानी खून लग गया और वो लगातार हमले कर रहा है। इन सबके बीच उस जगह को ढूंढे जाने का दावा किया जा रहा है जहां कभी भेड़ियों का परिवार रहा करता था। बहराइच के रामुआपुर गांव में आदमखोर भेड़ियों की मात मिली है। यहां गन्ने के घने खेतों से होते हुए करीब 2 किलोमीटर अंदर जाने पर भेड़ियों की एक मात मिली है। यहां पर अब पानी भरा हुआ है। ये मात 6 फीट गहरी थी। ग्रामीणों का दावा है कि कभी इसी मात में भेड़ियों का पूरा कुनबा रहा करता था। खेतों के बीच से होते हुए करीब 2 किलोमीटर अंदर जाने के बाद भेड़ियों की मात दिखाई दी। ग्रामीणों का दावा है कि यहां कभी भेड़ियों के छोटे बच्चे भी दिखाई देते थे। अब इन मादों में बाढ़ का पानी भर गया है। काफी दिनों से आसपास भेड़ियों के बच्चे तो नहीं दिखे, लेकिन बड़े भेड़िये जरूर दिख जाते हैं। मांद के अंदर जब एक लंबा सा डंडा डाला गया तो डंडा 6 फीट तक अंदर चला गया। इससे ये पता चलता है कि भेड़ियों की ये मांद 6 फीट गहरी है, जिसमें अब पानी भर गया है और आदमखोर जानवर का पूरा परिवार यहाँ से गायब हो गया है। गाँव वालों ने बताया कि हो सकता है कि बाढ़ में बच्चों की मौत हो गई हो और वह अब बदला ले रहा है। यूपी वन निगम महाप्रबंधक संजय पाठक ने मीडिया से बताया कि भेड़ियों में बदला लेने की आदत होती है। अगर किसी ने उन्हें, उनके घर या उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है तो वे उनका बदला इंसानों से लेते हैं।